नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संपूर्ण ज्ञान में। आज दिनांक 25 जनवरी और आज हम लोग देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उससे जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। आज के क्वेश्चन का PDF आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। फेसबुक इंडिया के नए विपणन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ फेसबुक इंडिया? इसका सही उत्तर है सी, अविनाश पंत। अविनाश पंत को फेसबुक इंडिया के नए विपणन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें, पिछले कुछ महीनों से फेसबुक इंडिया अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सहित ऐप के परिवार में महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए भर्ती कर रहा है। इसने देश में सोशल नेटवर्क के उपभोक्ता विपणन प्रयासों को चलाने के लिए अविनाश पंत को भारत का विपणन निदेशक नियुक्त किया है। नाइकी, कोका कोला, डिज्नी और रेडबुल सहित वैश्विक कंपनियों में 22 वर्षों के अनुभव के साथ पंत फेसबुक इंडिया में नई बनाई गई भूमिका को संभालेंगे। पूर्व में पंत ने रेडबुल इंडिया के लिए मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में काम किया है, जहां वह खेल, संगीत और नृत्य के दौरान साझेदारी और सामग्री के माध्यम से स्थानीय रूप से ब्रांड के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। पंत फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक अजीत मोहन को रिपोर्ट करेंगे, जो सीधे मेनोलो पार्क में फेसबुक के मुख्यालय को रिपोर्ट करते हैं। फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी। मुख्यालय है इसकी कैलिफोर्निया, US। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 किसने जीता? हु विंस चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019? इसका सही उत्तर है ए, डॉक्टर अवनीत गुप्ता। डॉक्टर अवनीत गुप्ता ने चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 जीता है। बता दें, प्रसिद्ध बसमोटोलॉजिस्ट और ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अवनीत गुप्ता, जिन्हें डॉक्टर बॉलीवुड के रूप में जाना जाता है, को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गैर लाभकारी मंच इंटरनेशनल फोरम द्वारा प्रतिष्ठित चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड इन्हें PM नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी द्वारा डॉक्टर अवनीत गुप्ता को नई दिल्ली में उनके निवास पर आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया था। ज्यूरी फॉर चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड का नेतृत्व जस्टिस KG बालकृष्ण और पूर्व अध्यक्ष इसमें न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा और प्रहलाद निहलानी और सुभाष घई शामिल थे। 2019 समारोह दूसरा चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड समारोह था। 2018 के पहले संस्करण में माननीय उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने विजेताओं को पुरस्कार दिए, जिसमें एक मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और कई अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कई अन्य प्रकाशकों को भी चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार 2019 मिला है, जिसमें हेमंत सोरेन, अनुराग ठाकुर, मनीष सिसोदिया, आचार्य बालकृष्णा, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और श्रीराज कुंद्रा, श्री सुरेश ओबेरॉय शामिल थे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश IKBF 2020 में केंद्र विषय वाला देश होगा? विच कंट्री विल बी द फोकल थीम कंट्री इन IKBF 2020? इसका सही उत्तर है डी, रूस। रूस देश IKBF 2020 में केंद्र विषय वाला देश होगा। बता दें, 44वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला IKBF 29 जनवरी से 9 फरवरी 2020 तक आयोजित किया जाएगा। रूस अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के 44वें संस्करण का केंद्र विषय देश होगा। थीम गेट मॉस्को में प्रतिष्ठित बोल्सोई थिएटर की प्रकृति होगी। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला दुनिया का सबसे बड़ा गैर व्यापार पुस्तक मेला है, एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है और दुनिया में सबसे अधिक भाग लेने वाला पुस्तक मेला है। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के 2020 संस्करण में 20 देश भाग लेंगे। IKBF का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर है। जगदीप धनकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की CM है और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2020 खेलो भारत युवा खेल में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर है? विच स्टेट टॉप द मेडल टेबल इन द 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स? सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र। 2020 खेलो भारत युवा खेल में महाराष्ट्र राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर है। आपको बता दें,
खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे सीजन का समापन हुआ। महाराष्ट्र ने गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 78 स्वर्ण सहित 256 पदकों के साथ अपना स्थान बरकरार रखा है। हरियाणा कुल 200 पदों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। दिल्ली कुल 122 पदों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। असम के शिवांगी शर्मा ने तैराकी में 5 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। वह खेलो इंडिया यूथ गेम्स की सबसे सफल महिला खिलाड़ी थी। 10 जनवरी से गुवाहाटी में शुरू हुए इन खेलों में 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगभग 6800 खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था। इन खेलों में 20 खेलों का आयोजन किया गया था। विजेता को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ट्रॉफी दी। विजय द टाइगर और जया द ब्लैक बग टूर्नामेंट के शुभांकर थे। स्प्रिंटर हिमा दास खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 के उद्घाटन समारोह के मसालदार थी। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम की राजधानी है दिसपुर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वोवेन विथ व्हील्स सेवा किस हवाई अड्डे पर शुरू की गई। वोवेन विथ व्हील्स सर्विस लॉन्च एट विच एयरपोर्ट। इसका सही उत्तर है सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से वीमेन विथ व्हील्स सेवा शुरू की गई है। आपको बता दें, वीमेन विथ व्हील्स इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली में एक अनूठी टैक्सी सेवा शुरू की गई है। वीमेन विथ व्हील्स सखा कैब द्वारा एक पहल है। टैक्सी सेवा केवल महिला यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी और केवल महिला ड्राइवर द्वारा संचालित की जाएगी। कैब में पुरुषों के प्रवेश की अनुमति केवल तभी होगी जब वे किसी महिला के साथ होंगे। विमेन विथ व्हील्स का लाभ महिला यात्रियों द्वारा दिल्ली के किसी भी हिस्से में लिया जा सकता है। इसकी सुविधा एयरपोर्ट पर पिलर नंबर 16 के पास एक कियोस्क से संचालित होगी। सखा कंसल्टी विंग्स के सीईओ हैं अरविंद वडेरा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र किस देश में खुला। इंडियाज फर्स्ट महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर ओपन इन विच कंट्री। इसका सही उत्तर है ए, नाइजर। नाइजर में भारत का पहला महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र खुला है। आपको बता दें, भारत का पहला महात्मा गांधी सम्मेलन केंद्र नाइजर में खुला। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और नाइजर के अध्यक्ष महामदव इसोफो ने महात्मा गांधी की स्मृति को सम्मानित करने के लिए भारत द्वारा अफ्रीका में स्थापित पहले सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की स्थापना भारत नाइजर मित्रता के लिए एक मील का पत्थर है। साथ ही यह अफ्रीका के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सम्मेलन केंद्र को एक विशाल आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधा के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें 2000 क्षमता वाले प्लेनरी हॉल शामिल है, जो अफ्रीका संघ के सदस्य राज्यों और अन्य उच्च स्तरीय सम्मेलन से उच्च स्तरीय व्यापक भागीदारी का गवाह है। नाइजर की राजधानी नियामी है। नाइजर की मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी सीएएफ फ्रैंक है। नाइजर के प्रधानमंत्री हैं ब्रिगेडियर रफिनी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2019 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2019 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसका सही उत्तर है सी, 18। 2019 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का रैंक 80वां है। आपको बता दें, वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2019 में भारत का रैंक 80वें स्थान पर है। 2018 में भारत सूचकांक में 78वें स्थान पर रहा। सूचकांक को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया था। रिपोर्ट में माना गया है कि अधिकांश देशों ने पिछली रिपोर्ट के खिलाफ भ्रष्टाचार से निपटने में कोई सुधार नहीं किया। इसने 180 देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार को मापने के लिए 13 सर्वेक्षण और विशेषज्ञ आंकलन पर विचार किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन देशों ने सर्वेक्षण किया, उनमें से अधिकांश में भ्रष्टाचार अधिक व्याप्त है। इनमें रेखांकित किया गया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अपारदर्शी राजनीतिक वित्त पोषण कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा लॉबिंग के कारण भ्रष्टाचार में नियंत्रण हुआ है। यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और सोमाली ने इस सूची में सबसे निचले स्थान पर प्रदर्शन किया है। इस रिपोर्ट में डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड अपने अपने पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है। यह 1993 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय बर्लिन, जर्मनी में है। इसके प्रबंधन निदेशक हैं पेट्रिसिया मोरिया और अध्यक्ष हैं डोलिया फेरेरा रुबोरी। संगठन का उद्देश्य नागरिक भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के साथ
वैश्विक भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और भ्रष्टाचार के उत्पन्न होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकना है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने GSTN के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टनर विद विच कंपनी टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ GSTN? इसका सही उत्तर है ए, इन्फोसिस। भारत सरकार ने GSTN के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इन्फोसिस कंपनी के साथ साझेदारी की है। बता दें, सरकार ने अस्थायी आधार पर माल और सेवा कर नेटवर्क GSTN फाइलिंग पोर्टल के प्रदर्शन को सुधारने के लिए इन्फोसिस के साथ साझेदारी की है। इन्फोसिस देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स शासन के लिए प्रबंधित सेवा प्रदाता है। सरकार ने इन्फोसिस के साथ कई तकनीकी उपायों पर काम किया है। उपायों की घोषणा अप्रैल 2020 तक की जाएगी। GSTN GST नेटवर्क GST कार्यान्वयन के लिए करदाताओं, केंद्र, राज्य सरकार और अन्य हितधारकों को IT अवचरण और सेवाएं प्रदान करता है। इसका उद्देश्य GST के सुचारू संचालन के लिए विश्वसनीय, कुशल और मजबूत IT बैकलोन प्रदान करता है। यह आर्थिक एजेंडों को पूरे देश में न्यूनतम प्रत्यक्ष कर अनुपालन लागत के साथ वन मार्केट के रूप में लाभ उठाने में सक्षम करेगा। GSTN का पूरा नाम माल और सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। वहीं GSTN का पूरा नाम माल और सेवा कर नेटवर्क गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2020 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला? हु गेट द 2020 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार? इसका सही उत्तर है ए, मुन्नन सिंह। मुन्नन सिंह को 2020 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। आपको बता दें, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 की घोषणा सुभाष चंद्र बोस जयंती अवसर पर की गई थी, जिसे 23 जनवरी 2020 को मनाया गया था। व्यक्तिगत श्रेणी के तहत पूर्व IPS श्री कुमार मुन्नन सिंह ने पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार ने आपदा प्रबंधन में उनके सराहनीय कार्य को मान्यता दी है। मुन्नन सिंह को एक प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए नगद का पुरस्कार मिला। आपदा समन और प्रबंधन केंद्र DMMC उत्तराखंड ने संस्थागत श्रेणी में तहत पुरस्कार जीता है। DMMC को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिला। विजेता पुरस्कार का उपयोग केवल आपदा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के लिए जीतने वाली संस्था द्वारा किया जाएगा। 23 जनवरी 2019 को सरकार ने एक वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की, जिसका शीर्षक सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार था। पुरस्कार आपदा के प्रयासों को पहचानता है। कई संगठन और व्यक्ति लोगों की मदद करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करते हैं। गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की 8वीं बटालियन ने वर्ष 2019 के लिए पुरस्कार जीता था। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, UPI पेमेंट फीचर लॉन्च करने के लिए कौन सा टेलीकॉम कंपनी पहला टेलीकॉम कंपनी बन गया? विच टेलीकॉम कंपनी बिकम्स फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू लॉन्च UPI पेमेंट फीचर? इसका सही उत्तर है सी, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो पहला टेलीकॉम कंपनी बना है जो UPI पेमेंट फीचर लॉन्च करेगा। आपको बता दें, रिलायंस जियो अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से UPI भुगतान की सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम कंपनी ऑपरेटर बन गया है। इसने अपने वॉलेट ऐप जियो मनी के बजाय माई जियो ऐप पर फीचर लॉन्च किया है। यह रिलायंस जियो अब अन्य निजी UPI भुगतान प्रदाताओं जैसे पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। उपयोगकर्ता इस सेवा का लाभ उठाने के लिए अपने मौजूदा UPI ID का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय उन्हें एक नया जियो UPI ID बनाना होगा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के संस्थापक हैं धीरू भाई हीराचंद अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं CEO हैं मुकेश धीरू भाई अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। चलते हैं आज के उस क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिताब किसने जीता? हु विंस हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस टाइटल? इसका पहला ऑप्शन है निहाल सरीन, दूसरा ऑप्शन है मंगेश चंद्रन, तीसरा ऑप्शन है गुकेश डी, चौथा ऑप्शन है सप्तर्षि रॉय। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।